बैठक संपन्न। मोदीनगर में आज हिंदू जागरण मंच की बैठक मोदीनगर संजीवनी स्टेट संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि प्रांतीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री हितेश बंसल जी एवं प्रांतीय स्वावलंबन संयोजक मोहनलाल जी, प्रांतीय प्रचार प्रमुख चंद्रपाल प्रजापति जी और जिला अध्यक्ष पवन चौधरी जी के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुआ। प्रांतीय क्षेत्रीय मंत्री श्री हितेश बंसल जी ने जिला नगर एवं खंड में कैसे कार्यकर्ताओं का विकसित किया जाए तथा शासन और प्रशासन के साथ कैसे कार्य करना है, इस पर अपने विचार विमर्श किए। जिला अध्यक्ष श्री पवन चौधरी जी ने कहा कि हिंदुओं को कैसे जागृत करना है और स्वयं एवं अपने साथियों को मोहल्ले में अपने समाज में कैसे और साथियों को जागृत करना है और कैसे इन विधर्मियों से बचना है, इस पर विचार विमर्श किया गया। अच्छा, जो आज कार्यक्रम हुआ है, क्या कार्यक्रम किया गया है? कार्यक्रम ये है कि अपने गाजियाबाद जिले की अपनी बैठक हुई है, इसमें हमारे नगर खंड और जिला स्तर के कार्यकर्ता उपस्थित हुए और आगे उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो, उनकी कार्य पद्धति वो कैसे आगे कार्य करेंगे, उसके विचार में उनका प्रशिक्षण दिया गया। अच्छा, इसके अलावा कुछ विशेष उद्देश्य संगठन में आज बैठक रखने का जो कुछ मेन उद्देश्य रहा हो? विशेष उद्देश्य है कि जो हिंदू समाज है वो जो भी समस्याएं हिंदू समाज के प्रति आ रही हैं वो उसका स्वतः ही जागरूक होकर स्वतः ही समस्याएं समाधान करे, ऐसा जागरण हमारे कार्यकर्ता करेंगे। उस उद्देश्य से हम लोग आज एकत्रित हुए और हमारे क्षेत्रीय संसद मंत्री माननीय हितेश बंसल जी, मैं भी सरकार जो कार्यकर्ता आए थे उनको दिशा निर्देश दिए हैं, उनको प्रशिक्षित किया है। जनहित में कुछ संदेश देना चाहेंगे? जनहित में सिर्फ संदेश मेरा ये है कि जो भी व्यक्ति जहां रह रहा है, मेरे आस पड़ोस कुछ ऐसा तो नहीं है, अज्ञात तो नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं आ रहा, उसको जानकारी नहीं है, ऐसा व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति आ रहा है तो उसकी सूचना प्रशासन को दे। अगर ऐसा समाज करने लग गया तो जितने भी लव जिहाद के मामले आ रहे हैं, लूट के मामले आ रहे हैं, वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। आज जो बैठक हुई है उसका क्या उद्देश्य है? सर्वप्रथम मैं श्री रामचंद्र जी के भगवान जी के चरणों में वंदन करता हूँ और हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा महत्व हम रखते हैं, अपने हिंदुत्व को आगे ले जाना और जो हमारे हिंदुत्व के खिलाफ करते हैं उनको सबक सिखाना। और मेरा मानना तो यह है, जो हिंदू धर्म की तरफ टेढ़ी आंख करके देखेगा, हम उसकी आंख ही नहीं, हम उसके पूरे शरीर को नोच देते। अच्छा, अंग्रेज जो मुद्दा आजकल बड़े स्तर पर चल रहा है किसानों का, उस पर क्या कहना चाहिए? किसानों का पहले जो लगता था बढ़िया काम चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार उसमें खालिस्तान सही दर्जा वगैरह ये घुसाए गए हैं तो उसमें मुझे संगीत ज्यादा लग रही है। खालिस्तानियों का ज्यादा जमाव हो गया और जिस प्रकार हमारे तिरंगे का अपमान किया गया, मुझे बहुत अति दुख है, पीड़ा है। यह किसान आंदोलन नहीं रहता, यह एक द्रोह का मुद्दा बन जाता है। जैसे कि तिरंगे का अपमान हुआ है तो इस बारे में आप सरकार से क्या मांग करते हैं? मैंने इस सरकार से सीधी मांग है, जिसने हमारे तिरंगे का अपमान किया है, सूट एंड साइड का ऑर्डर हो, कोई किसी भी प्रकार की उनके साथ दया भावना न रखी जाए और सख्ती के साथ उन्हें, जिससे आने वाला जो भी व्यक्ति है जो इस प्रकार के काम करने की सोचता है वो सोचने से पहले 10 बार। जय श्री राम। जय श्री राम। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे M4U न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं और हमारे M4U न्यूज चैनल पर समाचार एवं विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8445657566 पर।